और बाय न्यूट्रल मॉलिक्यूल या न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे वाटर, ठीक है बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है ये जो आइंस होती है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होता है इनके पास होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो इस मेटल को क्या करते हैं मेटल के साथ वो बॉन्ड बनाते हैं बाय लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये दोनों क्या करते हैं डोनेट करते हैं तो जब भी कॉर्डिनेट बॉन्ड बनता है उसमें क्या होता है इट्स ए टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जिसमें एक स्पीशीज लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करती है डोनेट करती है तो उसे ही हम बोलते हैं कॉर्डिनेट बॉन्ड तो कॉर्डिनेशन कंपाउंड्स उसी से बनते हैं कुछ हमारे पास कॉर्डिनेशन कंपाउंड जो नेचर में प्रेजेंट है एक है क्लोरोफिल है हेमोग्लोबिन और विटामिन बी जो क्लोरोफिल है उसमें सेंट्रल मेटल है हमारा मैग्नीशियम हेमोग्लोबिन में है हमारा आयरन और विटामिन बी में हमारा कोबार्ट नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की वर्नर थ्योरी में क्या बताता है इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल के पास क्या होती है दो तरह की लिंकेज होती है और दो तरह की उसके पास क्या होती है है वैलेंसी एक होता प्राइमरी और दूसरा क्या होता है सेकेंडरी इसे हम एग्जांपल से देखेंगे सीओ एन एक्स ब्रैकेट सी एल थ्री सबसे पहले अगर हम बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी की प्राइमरी वैलेंसी सिमिलर होती है जैसे हमारे पास क्या होता है कोई भी आयनिक कंपाउंड होता है जैसे एन ए सी एल एन ए इलेक्ट्रॉन लूज करता है एन ए प्लस बनाता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन करता है नेगेटिव है सिमिलरली हमारे पास जैसे मेटल है कोबाल्ट कोबाल्ट इसमें क्या होगा उसके पास होगा प्लस थ्री चार्ज होगा ठीक है और यहाँ पे क्या होगा हमारे पास थ्री क्लोराइड आयंस है ठीक है तो कभी अगर आप वाटर में डालोगे ये क्या हो जाएगा कंपाउंड ये जो ब्रैकेट वाला ये सेपरेट हो जाएगा और क्लोराइड आयन क्या हो जाएंगी सेपरेट हो जाएंगी तो इसका प्लस थ्री चार्ज जो हो होगा इसको स्टेबलाइज करेगा इसका माइनस चार्ज ठीक है तो सबसे पहले जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयनाइजेबल होती है ये सेपरेट हो जाएगा ये आयंस क्या हो जाएंगी सेपरेट हो जाएंगी और इसका जो चार्ज होगा कोबाल्ट का जो थ्री प्लस चार्ज है वो क्लोराइड आयन और नेगेटिव आयन इसको सेटिस्फाई करेगी ठीक है तो ये हो जाएगी हमारी प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगी अब कोबाल्ट के साथ ना NH3 भी अटैच है

अब याद रखना जब लिगेंट्स इसके साथ कंबाइन करते हैं दे बाउंड बाय सेकेंडरी लिंकेज इसे सेकेंडरी लिंकेज बोलते हैं जिसमें क्या होता है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो लिगेंट्स है वो कबाल को जैसे डोनेट कर रहे हैं ठीक है टू द मेटल आइन एंड दे हैव ए कैरेक्टरिस्टिक स्पेशल अरेंजमेंट और स्पेस में क्या करते हैं एक पर्टिकुलर इनका क्या होता है अरेंजमेंट होता है और उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पॉली ठीक है तो जो सेकेंडरी लिंकेज होती है जो लिगेंड्स होते हैं वो क्या करते हैं एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करते हैं इन ऑफ द कॉम्प्लेक्स बोलते हैं पॉलीहीड्रॉन जैसे हमारे पास था सीओ एन एच थ्री सिक्स सीओ एन एच थ्री सिक्स इसका प्लस थ्री चार्ज होगा ये जब अरेंज करेगा तो ये बना देगा हमारा ऑक्टा कॉम्प्लेक्स तो ये इसका क्या हो जाएगा पॉलीहीड्रॉन हो जाएगा नेक्स्ट हम तो बात करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स डबल सॉल्ट क्या होता है दे आर द एडिशनल कंपाउंड्स दो हमारे सॉल्ट को अगर आप एक साथ एडिशन कर लो तो उसे बोलते हैं हम डबल सॉल्ट। याद रखना जो डबल सॉल्ट है वो सॉलिड स्टेट में क्या होते हैं दे आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट ब्रेक इन टू इट्सिट्यूंट आइंस इन डिजॉल्व स्टेट सपोज आपके पास कैनेलाइट है लाइट नॉर्मली स्टेबल होगा अगर ये है सॉलिड स्टेट में के सी एल एम जी सी एल टू सिक्स एच टू बट जैसे आप इसको डिजॉल्व स्टेट में डालोगे तो याद रखना इसकी सारी आइंस के सी एलटिव एम जी टू प्लस टू आई सी और सिक्स एच टू ओ ये सारे क्या हो जाते हैं डिसोसिएट होता है सिमिलर थिंग है मोहर सोल्ट पोटेशलम मोहर सोल्ट होता है एफ ई एसओ फोर एन एच फोर टूस एसओ फोर सिक्स एच टू ओ पोटेशलम इस के ए एल एस ओ फोर टू ट्वेल्व एच टू ओ ठीक है तो जब भी डबल सॉल्ट लोगे अगर आप वाटर में लेते हो तो वो क्या हो जाता है डिसोसिएट होता है एज जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इवन इन द सॉलिड एज वेल एज डिजॉल्व स्टेट सपोज आपके पास है एफ ई सी एन फोर ब्रैकेट फोर नेगेटिव याद रखना है ये है हमारी इसकी सेकेंडरी बैलेंसी सी एन फोर ठीक है तो जब भी आप इसको डिजॉल्व या सॉलिड स्टेट में रखोगे तो ये कंपाउंड डिसोसिएट नहीं होता है तो याद रखना दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द डबल सॉल्ट एंड ए कॉर्डिनेशन कंपाउंड बात करेंगे इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले हमें दिया हुआ कॉर्डिनेशन एंटिटी कॉर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है इट कॉन्स्टिट्यूट ए सेंट्रल मेटल आइन एटम ठीक है आयन हो सकता है या एटम हो सकता है बॉन्डेड टू फिक्स नंबर ऑफ आइंस और मॉलिकल सपोज आपके पास कोबाल्ट है जो सेंटर मेटल है वो फिक्स नंबर ऑफ आइंस और मॉलिक्यूल्स के साथ अटैच है जैसे सी एल थ्री एन एच थ्री थ्राइस के साथ ठीक है ये सेंटर मेटल हो जाता है और याद रखना जिसके साथ ये अटैच है आइंस और मॉलिक्यूल्स इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इसे बोलते हैं लिगेंड दोनों साथ में याद रखना सेंट्रल मेटल और लिगेंड को साथ में हम बोलते हैं कॉर्डिनेशन एंटिटी नेक्स्ट हमें पूछा है व्हाट आर सेंट्रल मेटल स्लैश आयन इन कॉर्डिनेशन बाउंडेड तो इसमें क्या है कोबाल्ट के साथ क्या लिगेंस अटैच है तो कोबाल्ट क्या हो जाता है हमारा सेंट्रल मेटल आयन हो जाता है ये पूरा कॉम्प्लेक्स क्या होगा न्यूट्रल होगा ठीक है तो ये एन एच थ्री हमारा न्यूट्रल है सी एल थ्री क्या होगा माइनस थ्री चार्ज तो इसका हो जाएगा हमारा प्लस थ्री चार्ज तो सेंट्रल मेटल होगा यहाँ पे कोबाल्ट प्लस थ्री

इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है अगर कोई स्पीशीज एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करे तो उसे बोलते हैं यूनिडेंटेड एग्जाम्पल सी एल नेगेटिव एच टू ओ और एन एच थ्री नेक्स्ट है हमारा डाइडेंटेट लीगेंड। लिगेंड में क्या होता है इट कैन डोनेट टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा इथेन वन टू डाई अमाइन इसे ई एन भी कहते हैं याद रखना ये न्यूट्रल लिगेंट है सी एस टू सी एस टू इसके साथ दो एन एच टू एन एच टू ग्रुप प्रेजेंट है इस नाइट्रोजन के पास का एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये दो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं सिमिलरली हमारे पास है ऑक्सीट आयन इसे ओ एक्स भी करते हैं

इसमें हमारे पास क्या होता है सी एस इन दोनों के साथ क्या होता है एक एक नाइट्रोजन अटैच है और नाइट्रोजन के साथ दो एसिटेट ग्रुप तो हर एक नाइट्रोजन के साथ दो दो एसिटेट ग्रुप प्रेजेंट है अगर हम देखेंगे इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर इस नाइट्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर और चार ऑक्सीजन पे चार इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं तो टोटल इसमें होते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर तो सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर वाला लिगंड को हम हेक्साडेंटेड भी कहते हैं और वो पॉलीडेंटेड के अंडर आता है

अब दो जो नाइट्रोजन है वो क्या करते हैं इसके साथ जुड़ जाते हैं इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर जब ये दो एटम डोनेट करते हैं तो आपको लगेगा कि एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं चिलेट रिंग और जब भी कोई लिगेंट ऐसा स्ट्रक्चर बनाता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर हम बोलते हैं उसे चिलेट लिगेंट नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बिडेंटेड लिगेंड की एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है इट इस यूनिडेंटेड लिगेंड, विच कैन कोऑर्डिनेशन थ्रू टू डिफरेंट एटम्स एक यूनिडेंटेड लिगेंड होता है जो दो डिफरेंट एटम से क्या कर सकता है अटैच कर सकता है जैसे एनो टू नेगेटिव एनोनो टू नेगेटिव क्या कर सकते हैं या तो नाइट्रोजन वाली साइड से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है

तो मेटल आयन के साथ कितने डोनर आइटम अटैच है लिगेंट के तो वो बताता हैं हमें कॉर्डिनेशन नंबर जैसे हमारे पास है सी ओ एन एस थ्री सिक्स थ्री प्लस एन एस थ्री हमारा यूनिडेंटेड तो सिर्फ एक ही आइटम अटैच होता है कोबाल्ट के साथ तो ये हो जाएंगे कॉर्डिनेशन नंबर विल बी सिक्स क्योंकि टोटल सिक्स है सिमिलरली अगर हम बात करें सी ओ ई एन थ्राइज थ्री प्लस याद रखना जो ई एन है वो है हमारा डाइडेंटेड इथेन वन टू डाई अमाइन इसके दो आइटम जो होते हैं कोबाल्ट के साथ अटैच करेंगे दो एइटम्स होते हैं और टोटल कितने दिया हमें ई एन थ्री तो टोटल हो जाएगा सिक्स ठीक है तो इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर को हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय द लीकेंट नेक्स्ट हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फ़ेयर एंड काउंटर आयन

इसमें क्या होगा कॉर्डिनेशन फेयर क्या होगा जो एफ ई सी एन सिक्स है अगर इसको हम ब्रेक कर देंगे जो के फोर है याद रखना काउंटर आयन है इज प्लस ये डिसोसिएट हो जाएगा वेयर एज जो FECN6 है जो साथ में रहेगा इसे हम बोलेंगे कॉर्डिनेशन स्फेयर इसका चार्ज हो जाएगा एफ ई सी एन सिक्स ब्रैकेट में फोर नेगेटिव क्योंकि जब ये डिसोसिएट होगा इसका प्लस वन होगा तो इसका हो जाएगा माइनस फोर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे पॉली कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन की कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन है द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लीगेंट अटैच्ड टू द सेंटर मेटल स्पेस में जो लीगेंट है वो सेंटर मेटल के अराउंड क्या हो जाता है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट शो करता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन और आपको इस चैप्टर में दिखेगा मोस्ट जो कॉमन है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट एट द सेंट्रल एटम इन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंट्रल एटम में कितना चार्ज प्रेजेंट है तो उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसे हम निकालेंगे जैसे हमें दिया सी एन एस थ्री के बाद सी सबसे पहले आप जो काउंटर आयन है उसको रिमूव कर दोगे काउंटर आयन है हमारा सी क्लोराइड एक आयन का चार्ज होता है माइनस वन यहां पे तीन है तो इसका माइनस थ्री टोटल चार्ज हो जाएगा अगर इसका माइनस थ्री अगर आपने इसको डिसोसिएट कर दिया तो इस कॉम्प्लेक्स का आ जाएगा प्लस थ्री चार्ज ठीक है अब हम बात करेंगे जो एन थ्री है याद रखना वो न्यूट्रल है तो कोबाल्ट का चार्ज हो जाएगा प्लस थ्री तो ऐसे करके आप किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स की होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज बॉन्डेड टू सेम टाइप ऑफ लिगेंट और वन टाइप ऑफ लिगेंट जब सिर्फ एक ही तरह का लिगेंट जैसे सीओ एन एच थ्री सिक्स में सिर्फ एक ही लिगेंट प्रेजेंट है एनएस थ्री इसे बोलते हैं हम होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हिटोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स क्या होता है द कॉम्प्लेक्स इन विच मेटल आयन इज बॉन्डेड टू मोर देन वन काइंड ऑफ लिगेंट एक से ज्यादा लीगेंट प्रेजेंट हो जैसे सीओ एन एच थ्री फोर सी एल टू प्लस तो NH3 और Cl प्रेजेंट है दो डिफरेंट टाइप ऑफ लिगन प्रेजेंट है तो इसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले हमारा है इन द केटाइन इज ऑलवेज नेम फर्स्ट देन एनाइन सपोज आपके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है इसमें काउंटर आयन होता है और एक होता है कोऑर्डिनेशन स्फेयर जिसका चार्ज पॉजिटिव होगा और कटाइन होगा जो उसका नाम सबसे पहले लिखोगे देन आप एनाइन का नाम लिखोगे नेक्स्ट अगर हम बात करें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो लिगेंड्स है उसका नाम हम लिखते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में और उसके बाद हम लिखते हैं मेटल का नाम जब मेटल का नाम लिखोगे उसके साथ आपको क्या लिखना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आपको लिखना है और वो लिखना है आपको न्यूमिरल रोमन न्यूमरल में वो भी पैरेंथिस मतलब आपको ब्रैकेट में उसका आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है इन रोमन नेक्स्ट अगर आपका लीगेंट होगा एनाइनिक मतलब नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ आप ओ लगा दोगे ये कुछ लीगेंट आपको याद करने हैं सी एन नेगेटिव होता है क्लोराइडो बी आर नेगेटिव ब्रोमाइडो सी एन नेगेटिव को साइनो साइनाइडो भी कहते हैं एनओ टू नेगेटिव को नाइट्राइटो नाइट्रो भी कहते हैं एंड सी एंड ओ टू टू नेगेटिव को हम बोलते हैं ऑक्सैलेटो सिमिलरली अगर आपके पास न्यूट्रल लिगेंट है उसका नाम आप सेम लिखोगे एन थ्री है हमारा अमाइन एच टू हमारा एक्वा सीओ है हमारा काबोलाइन और जो ई एन है वो है हमारा इथेन वन टू अमाइन नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्बिडेंटेड में में एम्बिडेंट हम क्या कर सकते हैं हम डिफरेंट नेम यूज कर सकते हैं और बाय प्लेसिंग सिंबल ऑफ द डोनर एटम सपोज आपके एस सी एन नेगेटिव इसमें एस क्या करता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इसे हम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो एस और थानेटो ठीक है सिमिलरली इसका एम्बिडेंट लीगेंट होता है एन एस सी नेगेटिव इसे हम लिख सकते हैं थायोसाइनेटो एन आप एटम से सेपरेट कर सकते हो आप डिफरेंट नाम भी यूज कर सकते हो आइसो सिमिलरली नेगेटिव जो है इसे आप लिख सकते हो नाइट्राइटो एन और नाइट्रो और ओ एन ओ नेटिव जिसका क्या एम्बिडेंटली लीगेंट है इसे लिख सकते हो नाइट्राइटो और नाइट्राइटो तो इस तरह से आप एम्बिडेंटली लीगेंट का नाम लिख सकते हो और अगर लीगेंट क्या है एक से ज्यादा प्रेजेंट है तो आप प्रिफिक्स यूज करोगे डाई ट्राई डाइट्राइटेक्टा दो तीन चार अगर लीगेंट दो से ज्यादा है एक से ज्यादा है तो आप डाई ट्राई डाइट्राइटा यूज कर सकते हो इंडिकेट नंबर ऑफ लीगेंट और अगर लीगेंट में ऑलरेडी एक प्रिफिक्स प्रेजेंट है जैसे इथेन वन टू डाईन में ऑलरेडी डाई प्रेजेंट है तो आप सबसे पहले क्या लिखते हो उसे आप पैरेंथिस ब्रैकेट में लिख दोगे जिस लिखेट में ऑलरेडी प्रीफिक्स है उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे और वन टू थ्री फोर की जगह जो डाइट्राइट टेट्रा की जगह आप यूज करोगे वर्ड बिस एंड टेट्रा किस इंस्टेड ऑफ यूजिंग डाइट्राइट टेट्रा नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेशन स्फेयर का चार्ज क्या है अनाइनिक है नेगेटिव चार्ज है तो उसके साथ जो मेटल है उसमें आप एट लगा देते हो सीओ बन जाएगा कोपाल टेट बन जाएगा एल्यूमिनेट और कुछ मेटल के नाम थोड़े चेंज हो जाएंगे आयरन को बोलेंगे फेरेट कॉपर को बोलेंगे क्यूपरेट और ए को बोलेंगे अर्जेंटेट और अगर कॉर्डिनेशन स्फेयर का चार्ज क्या पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो मेटल का नाम हम सेम रखेंगे नेक्स्ट हम आयोपेक नेमिंग के कुछ एग्जांपल करेंगे हमें दिया हुआ है सी ओ एन एस थ्री सिक्स ब्रैकेट सी एल थ्री सबसे पहले हम याद रखना आप काउंटर एन को सेपरेट करोगे इसका माइनस वन चार्ज होता है तो टोटल चार्ज हो जाएगा माइनस थ्री इसका हो जाएगा प्लस थ्री प्लस थ्री चार्ज हो जाएगा अब हम कुबाल का चार्ज फाइंड करेंगे हो जाएगा एक्स प्लस जीरो पूरे कॉम्प्लेक्स का प्लस थ्री है तो कोबाल का चार्ज हो जाएगा प्लस थ्री इसका ऑक्सीडेशन नंबर नेमिंग करेंगे नेमिंग में क्या है? हमारे पास सबसे पहले लिगेंड को लिखते हैं हम लिखेंगे हेक्सा है, अमाइन कोबाल्ट क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये है स्फेयर तो इसमें मेटल का नाम हम सेम लिखेंगे कोबाल्ट थ्री और लास्ट में जो आयन है इसे हम एंड में लिखेंगे क्लोराइड ठीक है इसका जो नंबरिंग है वो नंबरिंग आपको नहीं लिखना जो फेयर के बाहर है नेक्स्ट हमें दिया है सी ओ सी एल ओ एन ओ एन एस थ्री फोर ब्रैकेट एनओ थ्री सबसे पहले स्फेयर का चार्ज पता करेंगे एनओ थ का होता है माइनस व ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे हो माइनस वन ओ एनओ का होता है माइनस वन एन एस थ्री का होता है जीरो तो x हो जाएगा हमारा प्लस थ्री अगर हम नेमिंग करेंगे लिगेंड की तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे हमारा हो जाएगा टेट्रा अमाइन अमाइन पहले आएगा फिर आ जाएगा हमारा क्लोराइडो फिर आ जाएगा नाइट्राइटो ओ क्योंकि एम्बिडेंटेड लिगेंट है और ओ की तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट होगा नाइट्राइटो ओ हो जाएगा नेक्स्ट ये पॉजिटिव चार्ज फेर है तो इसको देंगे हम कोबाल्ट ठीक है कोबाल्ट, चार्ज है इसका प्लस ठीक है और लास्ट में हम देंगे, नाइट्रेट आयन। नेक्स्ट तो टोटल प्लस थ्री तो इसका चार्ज हो जाएगा डिसोसिएट होने के बाद माइनस थ्री एल्यूमिनियम का चार्ज फाइंड करेंगे माइनस टू एल्युम हो जाएगा एक्स माइनस टू थ्री या इन थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री सो एक्स हो जाएगा माइनस थ्री प्लस सिक्स प्लस थ्री हो जाएगा सबसे पहले आप पॉजिटिव चार्ज का नाम लिखते हो जो पॉजिटिव चीज़ है और कैटाइन है तो पोटेशियम का सबसे पहले नाम लिखोगे उसके बाद जो आपके पास कोऑर्डिनेशन स्र है उसमें आप लिगेंड का नाम लिखते हैं सबसे पहले तो आप लिखोगे ट्राई ऑक्जेलोटो नागेटिव है ये पूरा कॉम्प्लेक्स तो हम लिखेंगे एल्यूमिनेट थ्री नेक्स्ट हमें दिया सी आर एन एस थ्री थ्राइस एच टू थ्राइस ब्रैकेट सी एल थ्री क्लोरीन का होता है माइनस थ्री हो जाएगा इसका हो जाएगा, तो जाएगा लिखेंगे, लिखेंगे, ट्राई अमाइन पहले अमाइन आएगा फिर एक्वा आएगा फिर आ जाएगा क्रोमियम थ्री और एंड में आ जाएगा हमारा क्लोराइड नेक्स्ट हम बात करेंगे आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इसमें सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है कॉर्डिनेशन कंपाउंड हैविंग सेम केमिकल सेम केमिकल फॉर्मूला जो है सेम है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है तो उसे बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इसमें सबसे पहले हमारा लिंकेज आइसोमेरिज्म लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग एम्बिडिएंट लिगेंट्स जिनमें एम्बिडिएंट लिगेंट्स प्रेजेंट होता है वही शो करते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म एम्बिडिएंट लिगेंट क्या होता है एक लिगेंट जिसके दो डोनर एटम होते हैं जो सेंट्रल मेटल को दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं हमारे पास एनओ टू है एस सी एन ए तो एक स्ट्रक्चर में क्या होगा जो एनओ टू है वो नाइट्रोजन वाली साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को और ओ एनओ तो ये एम्बिडेंट लिगेंड्स हो गए तो ये ऑक्सीजन वाली साइड से सेंटर मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं तो ये दो डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाएंगे इन्हें बोलेंगे हम लिंकेज आइसोमेरिज्म सिमिलरली होता है द कंपाउंड डिफरेंट आयंस इन सोल्यूशन जब आप इसको सोल्यूशन में डालते हो तो याद रखना ये जो आयन होता है ब्रैकेट के बारे इसे बोलते हैं काउंटर आयन तो SO4 जो टू नेगेटिव है वो सोल्यूशन में चला जाएगा और यहां पे Br आर नेगेटिव सोल्यूशन में चला जाएगा तो इसमें क्या होता है जो एक काउंटर आयन है वो एक लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो जाता है तो काउंटर आयन आउटसाइड द ब्रैकेट है वो लिगेंड के साथ एक्सचेंज हो जाता है एज ए रिजल्ट क्या होता है आपको डिफरेंट आयन सोल्यूशन में मिलते हैं नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइड्रेट एंड सॉल्वेट आइसोमेरिज्म की ये सिमिलर है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के इसमें भी क्या होता है एक काउंटर आयन होती है बट जिसके लिगेंड के साथ वो एक्सचेंज होती है वो क्या होना चाहिए वाटर मॉलिक्यूल होना चाहिए तो काउंटर आयन अंदर चले जाएगी एक सीएल अंदर चले जाएगा और जो

पोजीशन और उसका अरेंजमेंट डिफरेंट है लिगेंड्स का इन स्पेस तो हमारा बनता है आइसोमेरिज्म पहले हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म की इट अराइज इन इन हिट्रोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स हिट्रोलिप्टिक मतलब जो लिगेंड होने चाहिए वो क्या होने चाहिए डिफरेंट लिगेंड्स प्रेजेंट होने चाहिए कॉम्प्लेक्स में ड्यू टू डिफरेंट पॉसिबल ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड्स तो डिफरेंट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट मिलेगा आपको लिगेंड्स में सबसे पहले हम एग्जांपल की बात करेंगे स्क्वायर प्लेनर हमें दिया एम एक्स टू एल टू X और L हमारे दो यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं जैसे एग्जांपल है पी टी एन एस थ्री ट्वाइस सी एल ट्वाइस अगर हमारे दो लिगेंड जो सेम लिगेंड है वो एक तरफ आ जाते हैं तो ये बन जाता है सिस फॉर्म और अगर जो सेम लिगेंड है वो अपोजिट साइड में आ जाते हैं तो हमारा बन जाता है ट्रांस फॉर्म

और अगर सी एल सी एल अपोजिट तरफ में है और एन एस थ्री थ्री अपोजिट डायरेक्शन में तो ये बन जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म की। इसमें क्या MX2, ये है एम एक्स टू ये यूनिडेंटेड लिगेंट है एक्स एल एल ट्वाइस मतलब है हमारा डाइडेंटेट लिगेंड डाइडेंटेट लिगेंड दो तरफ से अटैच होता है एग्जाम्पल सी ओ सी एल टू ई एन तो ई एन दो तरफ से जुड़ेगा तो ये EN दो तरफ से ये ई एन दो तरफ से और ये सी एल तो अगर दोनों सी एल एक तरफ ई एन एक तरफ आ जाते हैं ये हो जाएगा हमारा सिस फॉर्म और अगर सी एल अपोजिट डायरेक्शन में ई एन अपोजिट डायरेक्शन में वो हो जाएगा हमारा ट्रांसफॉर्म लास्ट हमारा है एम ए थ्री बी थ्री ये डिफरेंट टाइप ऑफ आइसोवर में से कंसिडर करते हैं एग्जाम्पल सी ओ एन एस थ्री थ्री एन ओ टू थ्राइस इसमें क्या हो रहा है कि अगर तीनों एनओ टू एक तरफ आ जाते हैं एनएस थ्री एक तरफ आ जाते हैं तो हमारा जो एज है तीन एज में एन थ्री प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं फेशियल और एफ ए सी आइसोमर और अगर हमारा एनओ टू एनओ टू एक बीच में गैप आ जाता है एन थ्री फिर एन टू प्रेजेंट है अगर ऐसा अरेंजमेंट प्रेजेंट है तो इसे बोलते हैं मेरीडोनियल और एम ई आर आइसोमर नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स की ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं वेन ए कॉम्प्लेक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय टू डिफरेंट स्ट्रक्चर हम दो स्ट्रक्चर से एक कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज जिनकी मिरर इमेज क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल उन दो स्ट्रक्चर को बोलते हैं इनशुमर तो याद रखना एक कंपाउंड की दो फॉर्म हो सकती है एक डी और एक एल फॉर्म डी फॉर्म क्या होता है प्लेन पोलराइज लाइट को राइट right साइड पे रोटेट करेगा और दूसरा लेफ्ट साइड में और बाकी सारी प्रॉपर्टीज मैच करेंगे और याद रखना ये कॉम्प्लेक्स में होता है मोस्टली और जिसमें डायडेंटिट लिगेंड प्रेजेंट है सपोज हमें दिया हुआ है एम ए एमेंडेंट लिगन दिए तीन दिए हुए हैं एग्जाम्पल सी आर ओ एक्स थ्राइस थ्री नेगेटिव तो जो ओ OX एक्स है ऑक्सिलेट है वो दो तरफ से अटैच हो सकता है ये ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स है तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा अगर हम मिरर इमेज बनाएंगे ये मिरर इमेज बन जाएगी तो अगर एक डी फॉर्म है तो दूसरा एल फॉर्म होगा और आप एक्सपेरिमेंट से बता सकते हो तो बट दोनों की रोटेशन क्या होगी डिफरेंट होगी नेक्स्ट हमें दिया MAA -2 -B -2, मतलब यूनिडेंटेड ए दो है और डायडेंटेटेंट भी क्या है दो है और इसमें हम बात करेंगे सिस फॉर्म की ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमने देखा था एक होता सिस और ट्रांसफॉर्म ऑक्टाइटल में बट जो सिस फॉर्म है सिस फॉर्म में मतलब क्या होगा सी साथ साथ में होगा, EN क्या होगा साथ में होगा तो जो सिस फॉर्म

वो इनर ऑर्बिटल्स हो सकते हैं जैसे हमारा हो सकता है एन माइनस वन डी एन एस एन पी जैसे आपके पास थ्री डी ऑर्बिटल है और इट कैन बी आउटर ऑर्बिटल मतलब जैसे फोर डी फोर एस फोर पी ठीक है तो इनर ऑर्बिटल भी यूज हो सकता है इनर डी ऑर्बिटल आउटर ऑर्बिटल भी यूज हो सकता है ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंट पे ठीक है स्ट्रेंथ ऑफ द लिगेंट याद रखना अगर जैसे हमें स्ट्रॉन्ग लिगेंट है इसकी एग्जाम्पल याद रखना ई एन सी ए नेगेटिव एन सी ओ ठीक है स्ट्रॉ लीगेंट क्या करता है पेयरिंग कॉस् करता है और एन थ्री जो है वो कोबाल्ट मेटल के साथ क्या कर सकता है उसकी पेयरिंग करता है और जो वीक लीगेंट है वो पेयरिंग करता इसे हम एक्साम्पल से देखेंगे अब याद रखना ये जो वेकेंट ऑर्बिटल होते हैं वो क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू द जो कॉर्डिनेशन नंबर हमने दिए थे एम ठीक है अब जब ये हाइब्रिडाइजेशन करते हैं ये ओवरलैप करते हैं लीगेंट के ऑर्बिटल से और जो लीगेंट के ऑर्बिटल है इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं अब याद रखना अगर हमारी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो टाइटा स्ट्रक्चर बनेगा डी एस होगा तो स्क्वायर प्लेनर पी थ्री है तो ट्राइगोनल ट्राइगोन और अगर एस पी है और डी टू है तो हमारा बनेगा ऑक्टाहीड्रल स्ट्रक्चर नेक्स्ट हम एग्जांपल देखेंगे हमें दिया सी ओ एन एस थ्री सिक्स थ्री प्लस सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कोबाल्ट का प्लस थ्री है, है तो कोबाल्ट का प्लस थ्री होता है और प्लस थ्री का हमारा एटॉमिक नंबर होता है आपने प्लस थ्री का आपने क्या लिख लिया है बॉक्स की फॉर्म में आपने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी थ्री डी सिक्स है साथ में लिख दिया हमने एंड अब याद रखना ये जो एन एस थ्री है ये क्या काम करता है इन पेन्स ऑफ कोबाल ये स्ट्रॉन्ग लिग की तरह काम करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन्स है इनको क्या कर देगा रिपेल करेगा एक डायरेक्शन में एज ए रिजल्ट क्या हो जाएंगे ये जो छह इलेक्ट्रॉन्स है ये तीन ऑर्बिटल्स में आ जाएंगे ठीक है उसके बाद ये क्या करेगा जितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है उतने एम ऑर्बिटल्स को वो जोड़ लेगा कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो इलेक्ट्रॉन को जब इसने इस जगह पुश कर दिया तो ये दो ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे डी के ऑर्बिटर तो, तो दो डी के ऑर्बिटल एक एस का और तीन पी के ऑर्बिटल को वो जोड़ लेगा अकॉर्डिंग टू द कॉर्डिनेशन नंबर अब इन ऑर्बिटर को जोड़ने से ये सिक्स एम ऑर्बिटल इसने हाइब्रिडाइजेशन कर दी ये बन गया डी टू अब डी टू एस पी थ्री जो ऑर्बिटल है इसमें क्या होगा ये लिगेंड क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो एन एच थ्री सिक्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा डी टू एस पी थ्री में एज ए रिजल्ट हमारा जो स्ट्रक्चर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑक्टा हीटर क्योंकि थ्री डी इनर ऑर्बिटल डी यूज हुआ तो इसे बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर आप इलेक्ट्रॉन्स को देखोगे इलेक्ट्रॉन्स की क्या है जो है वो पेयड है तो इसे हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स और ये डायमैग्नेटिक भी है क्योंकि इनकी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है सिमिलरली हमें नेक्स्ट दिया सीओ एफ सिक्स थ्री नेगेटिव कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा प्लस थ्री इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो जाएगी आरगॉन थ्री डी सिक्स हम बना लेंगे इसके बॉक्सेस के फॉर्म में थ्री डी सिक्स अब याद रखना जो फ्लोरीन है वो एक वीक लिगेंट है वो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कॉज नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजिशन पे रहेंगे ठीक है उसके बाद क्या होगा हमें पता है नंबर है, है? तो है तो उसके बाद वाले ऑर्बिटल जो होंगे वो आपस में जुड़ जाएंगे सिक्स ऑर्बिटल जुड़ेंगे तो एक एस तीन पी और दो डी साथ में जुड़ जाएंगे हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी एस पी हाइब्रिडेशन होने हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अब क्या होगा जो फ्लोरीन है सिक्स फ्लोरीन क्या करेगा अपने इलेक्ट्रॉन पेयर इन ऑर्बिटल में डोनेट करेगा और हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी एस पी ठीक है ये ऑक्टाहीटल कॉम्प्लेक्स होगा अगर आप देखो आपने आउटर ऑर्बिटल 4d डी ऑर्बिटल यूज किया तो इसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स अगर आप देखो इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ए की तरफ है तो इसे बोलते हैं हम हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेड है तो उसे हम बोलते हैं पैरा मैग्नेटिक इन नेचर नेक्स्ट हम बात करें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अकॉर्डिंग टू द सीएफटी जो मेटल लिगेंड का बॉन्ड है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड द लिगेंड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिगेंट अगर एनायन है तो उसे बोलते हैं पॉइंट्स ऑन न्यूट्रल को बोलते हैं डायपोल मोमेंट जैसे ही लीगेंट अप्रोच करता है ट्रांजिशन मेटल को द फील्ड अराउंड द मेटल ठीक है ट्रांजिशन मेटल की क्योंकि मेटल का कोई चार्ज है उसका एक फील्ड होगा चार्ज का द फील्ड बिल बिकम अनसिमेट्रिकल लिगेंड का कुछ अपना चार्ज होगा उस चार्ज को बोलते हैं हम क्रिस्टल फील्ड ठीक है तो जैसे मेटल के पास लिगेंट आता है तो मेटल का जो फील्ड है वो अनसिमेट्रिकल हो, हो जाता है उसका चार्ज अनसिमेट्रिकल हो जाता है डी जनरेसी इज डिस्टर्ब डी जनरेसी सबसे पहले मतलब क्या होता है जो डी ऑर्बिटल है उनकी इक्वल एनर्जी होती है सारों की तो उसे बोलते हैं डी जनरेसी तो डी जनरेसी क्या होती है डिस्टर्ब होती है क्योंकि जो फील्ड है वो अनइक्वल है एज ए रिजल्ट क्या होता है स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल डी ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाते हैं और जो स्प्लिटिंग है डी ऑर्बिटल की वो डिपेंड करता है लिगेंट पे और क्रिस्टल फील्ड पे नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिगेंड्स को हम अरेंज करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर फील्ड स्ट्रेंथ जिसकी स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसको उस ऑर्डर में अरेंज करेंगे सबसे पहले हमारा आयर्डिन होता है ये ऑर्डर देख लेना लास्ट में आ जाता है ई एन सी एन नेगेटिव एन सी ओ इसका मतलब क्या होता है इनकी जो सी ओ होती है उसकी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड होती है वो सबसे ज्यादा क्या कर सकता है रिपल्शन कॉज कर सकता है और स्प्लिटिंग कॉज कर सकता है सबसे पहले हम बात करेंगे सपोज आपके पास ऑक्टाहीडल कॉम्प्लेक्स है और इसमें क्या है डी ऑर्बिटल दिया हुआ है हमें किसी मेटल का डी ऑर्बिटल जब फ्री आयन जब फ्री आयन की फॉर्म में है तो डी जनरेट होता है इन सब की एनर्जी क्या होगी पांचों ऑर्बिटल की सेम होगी जैसे हमारे पास सबसे पहले लिगेंट आएगा लीगेंट क्या करेगा पांचों ऑर्बिटल की थोड़ी एनर्जी क्या करेगा क्रिस्टल फील्ड में एनर्जी पहले इंक्रीज हो जाएगी उसके बाद क्या कर देगा वो लिगेंट इसकी स्प्लिटिंग कर देगा स्प्लिटिंग कर देगा दो पार्ट में एक को बोलेंगे टी टू जी एक को बोलेंगे ई जी टी टू जी में हमारे थ्री ऑर्बिटल आ जाएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड और ई जी में आ जाएगा डी एक् स्क्र वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर और याद रखना ये जो डेल्टा नॉट है इसे बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी डेल्टा नॉट डिपेंड करता है कि आपने क्या लिगंड यूज किया अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंट यूज़ किया होता तो दोनों की स्प्लिटिंग ज्यादा हो जाती है अगर वीक लीगेंट यूज किया होता दोनों की स्प्लिटिंग क्या हो जाती कम हो जाती तो डेल्टा नॉट डिपेंड करता है कि आपने कितना स्ट्रॉन्ग लिगेंट यूज किया ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ठीक है और ये जो एवरेज एनर्जी है इसको बोलते हैं वेरी सेंटर ईजी का टोटल एनर्जी हो जाएगा थ्री बाई फाइव डेल्टा नॉट इसका टू बाई फाइव डेल्टा नॉट नेक्स्ट अगर हम बात करें अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे चाहे वीक लिगेंट है चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंट है तो अगर हम इलेक्ट्रॉन फील करेंगे सपोज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा हमेशा टी टू जी में सेकेंड इलेक्ट्रॉन भी जाएगा टी टू जी में थर्ड इलेक्ट्रॉन भी जाएगा टी टू जी में चाहे स्ट्रॉन्ग और वीक केंट है बट जैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी फोर्थ इलेक्ट्रॉन या तो अपर फील्ड में जा सकता है या तो ई जी में जा सकते हैं टी टू जी में अगर टी टू जी में जाना है फोर्थ इलेक्ट्रॉन को तो याद रखना यहाँ पे क्या होती है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है और इस रिपल्शन की एनर्जी को बोलते हैं हम पेयरिंग एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन को सेम ऑर्बिटल में जाना जहां पे एक और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसको चाहिए पेरिंग एनर्जी से ज्यादा एनर्जी मतलब कि अगर स्प्लिटिंग एनर्जी सपोज स्ट्रॉग लिगेंट है तो स्प्लिटिंग एनर्जी क्या होगी ज्यादा होगी पेरिंग एनर्जी से एज ए रिजल्ट क्या होगा सो डेल्टा नॉट इज लार्ज फॉर ए स्ट्रॉन्ग लीगेंट स्ट्रॉन्ग लिगेंट ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा तो वो ओवरकम कर सकता है पेरिंग एनर्जी को मतलब फोर्थ इलेक्ट्रॉन जो है वो टी में जा सकता है एज ए रिजल्ट आपकी जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन electron की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी वो जाएगी टी टू जी फोर और ये बन जाएगा हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स वेयर एज अगर आप क्या सपोज एक वीक लीगेंट है वीक लिगेंट में क्या होगा स्प्लिटिंग कम होगी डेल्टा नॉट क्या होगा कम प्रोड्यूस होगा एनर्जी कम होगी तो फोर्थ ऑर्बिटल में जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो टी टू जी में नहीं जा पाएगा क्योंकि एनर्जी कम है पेरिंग एनर्जी से एनर्जी क्या हो जाएगी डेल्टा नॉट कम हो जाएगा एज ए रिजल्ट क्या होगा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा ई जी में ठीक है, सो जब डेल्टा नॉट स्मॉल होगा वीक फील्ड लिगेंट होगा तो इलेक्ट्रॉन रहेगा अनपेड और तब हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी टी टू जी थ्री ई जी वन तो ये बन जाएगा हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में याद रखना जो डी ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी पहले सबसे सेम होगी जैसे ही हमारे पास लिकेंट आ जाता है एनर्जी इंक्रीज हो, जाए हो, जाए हो जाएगी उसके बाद क्या हो जाएगी इसमें भी स्प्लिटिंग हो जाएगी स्प्लिटिंग में क्या होता है हमारे दो ऑर्बिटल बनते हैं एक को बोलते हैं ई दूसरे को बोलते हैं टी टू में आ जाता है डी एक्स स्क् वाई स्क्र डी जेड स्क्वेयर टी टू में आता है डी एक्स वाई डी एक्स तो जेड डी वाई सेड दोनों की एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा टी टी रिप्रेजेंट डेल्टा हीटल फील्ड ये एवरेज एनर्जी है ऊपर वाली की एनर्जी होती है टू बाई फाइव डेल्टा टी नीचे की थ्री बाई फाइव डेल्टा टी ये आपको याद रखना है नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे लिमिटेशन ऑफ क्रिस्टल फील्ड क्रिस्टल फील्ड ने बताया जो लीगेंट्स होते हैं वो पॉइंट चार्ज होते हैं तो अनाइनिक लीगेंट का अगर वो पॉइंट चार्ज होते हैं तो अनाइनिक लीगेंट का क्या होना चाहिए सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए स्प्लिटिंग होनी चाहिए और सबसे स्ट्रॉन्ग लीगेंट होने चाहिए अनाइनिक बट एक्चुअल में तो अनाइनिक लीगेंट्स इन द लो एंड लो एंड मतलब इनकी जो क्रिस्टल फील्ड थी वो सबसे आ, कम कमिस्ट कर पाए नेक्स्ट सी एफ टी ट्रीट मेटल लिगेंट बॉन्ड एज ए प्योर आयनिक मेटल लिगन बॉन्ड को आयनिक माना बट एक्चुअल में मेटल लिगन का बॉन्ड थोड़ा कोवलेंट भी होता है वो ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए नेक्स्ट हम बात करेंगे कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर क्यों शो करते हैं जब इलेक्ट्रॉन होता है T2G में सपोज अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसको एनर्जी मिली ये EG में जम्प करता है तो याद रखना जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी है दोनों का विजिबल रीजन में आता है इसे हम बोलते हैं डी ट्रांजिशन और डी डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो होता है अगर इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेड हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी d1 वन टू डी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो तो कॉम्प्लेक्स क्या हो जाए कलर्ड होगा और अगर हमारे पास d0 सपोज कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और d10 सारे इलेक्ट्रॉन्स के यहाँ पेयड है तो तब कोई dd डी ट्रांजिशन नहीं होती और कॉम्प्लेक्स हो जाता है हमारा कलरलेस नेक्स्ट हम बात करेंगे मेटल कार्बोनाइल्स की मेटल कार्बोनाइल्स ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड के अंडर आते हैं ये क्या होते हैं द कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विद कार्बोनाइल कार्बोनाइल मतलब सिर्फ सी जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वो लिगेंड की तरह काम करता है तो इन कंपाउंड्स को बोलते हैं मेटल क्योंकि इसके अंदर कार्बन कार्बन है है तो दैट्स भी कहते हैं ऑर्गेनिक मोस्टली होता अब याद रखें दो टाइप के होते हैं एक होता है हमारा मोनो न्यूक्लियर मोनो न्यूक्लियर में सिर्फ एक न्यूक्लियस है सपोज निकल के साथ चार सीओ प्रेजेंट है तो यह बन जाता है टेट्रा हीड्रल सपोज एफ के साथ पांच सीओ प्रेजेंट है तो यह बन जाएगा ट्राइगोनल ट्राइगुलर बायोपेरा सी आर के साथ अगर छह सी ओ प्रेजेंट है तो ये बन जाता है ऑक्टा हिड्रल दो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है पॉली न्यूक्लियर के पॉलीन्यूक्लियर मतलब यहां पे कोबाल्ट के दो है सीओ टू कोबाल्ट दो हैं एंड सी ओ एट है तो क्या होता है कोबाल्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा होता है और बीच में दो जो कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं वो ब्रिज की तरह काम करते हैं ये स्ट्रक्चर आपको याद करना है सिमिलरली आपके पास है एम एन टू सी ओ टेन इसमें क्या होता है दो एम एन साथ में जुड़े होते हैं और हर एक एम एन के साथ पांच पांच सी ओ ग्रुप्स आर अटैच्ड नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स अब याद रखना जो मेटल कार्बन का बॉन्ड होता है मेटल कार्बोनाइ के बीच में वो क्या होता है उसमें दोनों सिग्मा एज वेल एज पाई करेक्टर होता है जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो हमें ऑलरेडी पता है क्योंकि ये क्या है एक लीगेंट है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा मेटल को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा एम डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है बट ये जो पाई बॉन्ड है ये भी बन जाता है इसमें क्या होता है पाई बॉन्ड में जो मेटल है उसका जो फिल्ड डी ऑर्बिटल है वन ऑफ द फिल्ड डी ऑर्बिटल वो क्या करता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इनटू एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ सीओ एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल तो ये यह यहां से यहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो पाई बॉन्ड ये बनाता है एज ए रिजल्ट क्या हो जाता है दोनों बॉन्ड साथ में प्रेजेंट होते हैं इसे बोलते हैं सैनर्जिक बॉन्डिंग और सेनेर्जिक बॉन्डिंग की वजह से ये काफी ज्यादा स्टेबल हो जाता है नेक्स्ट हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्डिनेशन कंपाउंड सबसे पहले है इन बायोलॉजिकल सिस्टम जो क्लोरोफिल होता है उसमें याद रखना मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स होता है हेमोग्लोबिन जो होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से रेड कलर होता है बिकॉज ऑफ आयरन कॉम्प्लेक्स और विटामिन वी ट्वेल्व जो होता है वो होता है हमारा साइनोकोब्लैमिन इसका नाम है और इसमें क्या प्रेजेंट होता है कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स सेकेंड हमारा है इन मेडिकल केमिस्ट्री अगर हमारे पास एक कंपाउंड है सिस पी टी एन एच थ्री ट्वेल्थ सी एल टू इसे बोलते हैं सिस प्लेटिन और ये जो है ये यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में ईडी टी ए है वो यूज होता है लेड पॉइजनिंग में प्रिवेंट करने के लिए और अगर एक्सेस ऑफ कॉपर और आयरन किसी एनिमल के सिस्टम में प्रेजेंट है उसकी बॉडी में प्रेजेंट है तो उसको हम रिमूव कर सकते हैं बाय बाईटिंग चिलेटिंग कर सकते हैं उसके साथ कंबाइन करेंगे कॉपर और आयरन को उसको रिमूव कर सकते हैं तो so इसमें हम यूज करेंगे डी पेंसिलाइन एंड डेस्फेरॉक्सामाइन बी थर्ड है हमारा एक्सट्रैक्शन एंड मेटेलर्जी ऑफ मेटल्स मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम देयर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे सिल्वर और गोल्ड है हम उसको उसके साइनाइड वाले कॉम्पाउंड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे गोल्ड का है ए यू सी एन टाइस नेगेटिव और सिल्वर का ए जी सी एन टाइस नेगेटिव हम क्या करेंगे इसको जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे जिंक ज्यादा रिएक्टिव होता है वो क्या कर देगा इनको डिसप्लेस कर देगा मेटल्स को इनके कम्पाउंड से और ये प्रेसिपिटेट हो जाएंगे मेटल्स नेक्स्ट हमारा है मॉन्ट प्रोसेस मॉन्ट प्रोसेस जो होता है प्योरिफिकेशन ऑफ निकल में होता है हम इम्प्योर निकल को सी के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा बन जाता है एन ये जो है वोलाटाइल कंपाउंड है इसको हम हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है और हमें प्योर निकल मिल जाता है फोर्थ हमारा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इसमें हम डिटेक्ट कर सकते हैं मेटल जैसे डी एम जी से डायमिथाइल ग्लॉक्साइम से हम निकल डिटेक्ट कर सकते हैं एंड अल्फ़ा नाइट्रोसो बीटा नेपथोल से हम कोबाल्ट डिटेक्ट कर सकते हैं अब इसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर भी इसमें एस्टिमेट कर सकते हैं हम इसको यूज़ करते हैं इसके साथ एन ए टू ई डी टी ए वाटर में इसको डालते हैं जो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम वो इसके साथ क्या करता है ईडीटी के साथ स्टेबल कंपाउंड बनाता है और स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाने की वजह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट है नेक्स्ट है हमारा अदर एरियाज विल्किनसन जो कैटलिस्ट है ट्राइफिनाइल फोस्फिन थ्राइस आर ये होता है हमारा हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्केन्स में यूज होता है इन फोटोग्राफी फोटोग्राफी में क्या होता है जो फिल्म होती है उसे हम वॉश करते हैं हाइपो से और उसके अंदर क्या होता है जो अनिकम्पोस्ड एजी बी आर है वो कन्वर्ट हो जाता है एजी एस टू ओ थ्री ट्वाइस थ्री ने आई होप आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की रिवीजन वीडियो समझ आई हो सिमिलर टाइप ऑफ वीडियो मैंने बाकी चैप्टर्स की भी बनाई है डिस्क्रिप्शन पे लिंक है आप चेक कर सकते हो तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो बाय